फ्रेंड्स देखिए कि किस तरह से एक मशीन और हाइबा लगे हुए हैं जमीन से मिट्टी निकालने में। तो मैं आपको बता दूं कि ये मिट्टी कहाँ जा रही है, तो ये मिट्टी जा रही है रोड का शोल्डर भरने में। सरई से झुरी रोड का काम हो रहा है तो मिट्टी वहाँ पे जा रही है। और ये मशीन और हाइबा दिलीप सिंह रघुवंशी की हैं, जो कि विदिशा के रहने वाले हैं और रोड का ठेका लिए हैं, यानी रोड का टेंडर लिए हैं यहाँ पे और रोड का काम करवा रहे हैं। तो यहीं से मैंने मिट्टी दिया था और मिट्टी जा रही है रोड पे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मशीन मैं ही चला रहा हूँ, मैं ऑपरेटर हूँ एक, तो मशीन मैं उनका चला रहा था और अपने ही ज़मीन से मिट्टी उनको दिया था। और मैं अपने हिसाब से तालाब भी खोद लिया था ताकि मैं आने वाले फ्यूचर में इसका तालाब का फ़ायदा ले सकूं। तो मैं इसमें मछली पालने के हिसाब से इसको खुदाई किया है और मैं मछली आगे आने वाले फ्यूचर में पालने का बहुत मतलब वैसा प्लानिंग बनाया हूँ। तो अभी पिछले साल मैंने कुछ मछलियाँ डाली भी थी, तो उसमें से क्या साइज हुए, कैसे मैंने डाला, ये मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यदि आप में से कोई फ्री है और किसी को मशीन सीखने का इंटरेस्ट है, कोई चाहता है कि मैं मशीन सीखूं और मशीन चलाऊं, तो ये मशीन सीखना है तो मैं कहीं ना कहीं आपका संपर्क करा दूंगा किसी न किसी ऑपरेटर से, तो आप वहां जाके सीख सकते हैं। इसके लिए मुझे कमेंट में मुझसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स। तो चलिए मैं आगे अपना ये दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने मछली का जीरा लाया और डाला और क्या साइज हुए मछलियों, वो चीज़ दिखा रहा हूँ। तो चलिए, आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, यदि थोड़ा भी पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले समय पर आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलते रहा करेंगे। तो फाइनली जीरा यानी मछली का दाना आ चुका है और आप देख सकते हैं पॉलीथीन में पैक है, इसमें ऑक्सीजन डाला गया रहता है। और ये मागुर मछली हैं और किसी को अगर चाहिए होगा तो मैं व्यवस्था करवा सकता हूँ। और ये आप देख सकते हैं मेरा तालाब का व्यू है, ये चारों तरफ की पानी भरा हुआ है, ये बारिश का पानी भरा हुआ है इसलिए इस तरह से दिखाई दे रहा है पीला पीला टाइप में। और ये इस बाल्टी में मछली हैं, अब इनको सैनिटाइज करना है, इसके बाद तालाब में छोड़ देना है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि 6 महीने बाद मछलियों की साइज क्या हुई थी, तो आप ब्लॉग में बने रहें और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि इनकी क्या साइज हुई थी। अब लास्ट हो चुका है, पूरा इसको ख़त्म कर देते हैं और सैनिटाइज कर लेते हैं और सभी के सभी छोड़ देते हैं तालाब पे। जाओ भाई जल्दी बढ़ना। आप यहाँ पे तालाब में, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, देखिए दिखाई दे रहे हैं मछलियाँ तैरते हुए। ये मैं जूम किया हूं, देखिए अभी दिखाई दे रहे हैं। ये पूरे तालाब की सीन है चारों तरफ का, एक बार देख लीजिए इसको भी, पानी खूब सारा भरा हुआ है। ये वीडियो 6 महीने बाद की है, आप देख सकते हैं मेरी मछलियां जो मैं डाला हुआ था वो लगभग आधा केजी के आसपास के हो चुके हैं। अब ये मार्केट में सेलिंग करने के लायक हो गए हैं, बाज़ार में इन्हें बेचा जा सकता है। तो
तो यदि किसी को मछली की ज़रूरत है, कोई पाल करके यानी कि कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं।